पुलिस पुलिस भागो भागो नहीं जागो। अरे यार इंस्पेक्टर बंटी तू फिर आ गया यार। अब तेरा क्या होगा बड़े भैया। सलमान को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। हाथ ऊपर, हिलने की कोशिश मत करना वरना पप्पी ले लूंगा। अरे आप नाश्ता लेकर कब आए? जब मोहतरमा अपने अल्लाह से राजो न्याज कर रही थी। खुदा से ऐसा कौन सा राज है जो मजाजी खुदा से छुपाए? आपको नहीं पता कि क्या मांग रही थी? देखो अल्लाह हमारे दिलों को भी जानता है और हमारी नीयतों को भी। घबराओ नहीं, वो हमारे भी साथ है और हमारी बेटी के भी। बस अल्लाह करे कि हमारी आलिया का रिजल्ट अच्छा आ जाए। इंशाल्लाह। एंट्री टेस्ट क्या चीज है? उसने जो चाहा पा लिया क्योंकि वो है पापा की आलिया, मलका आलिया। लेकिन ये मोहतरमा है कहां? महल में इतना सन्नाटा क्यों है? ओके हद्दे अदब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। देखिए मैंने आपको इसलिए बुलवाया है कि आपका भाई पढ़ाई में बहुत अच्छा है लेकिन उसके हेयरिंग एड की खराबी की वजह से बहुत से मसाइल जन्म ले रहे हैं। जी मैडम, मुझे पता चला था कि उसका सुनने वाला आला खराब हो गया है। बहुत जल्द उसे लेकर दे दूंगा जी मैं। ये तो मुझे 2 हफ्तों से कह रहा है। मैडम कुछ मजबूरी थी जी हमारे घर पे। देखिए मुझे आपके हालात का पता है, मैं ये नहीं कह रही कि आप उसे कॉकलियर इम्प्लांट लगवा दें, एक हेयरिंग एड की तो बात है और ख़ास तौर पर फनफेयर। आपको पता है ना फनफेयर में पुलिस ऑफिसर का किरदार अदा कर रहा है। जी जी, जब से वो ये किरदार कर रहा है ना हम घर पे भी चोर सिपाही खेलते रहते हैं जी। और चोर यकीन आप ही होंगे। खैर मैं एक हद तक तो आपकी मदद कर सकती हूँ लेकिन अगर खराबी की वजह से दूसरे बच्चों की परफॉर्मेंस मुतासिर हुई तो मुझे उसे कट करना होगा। नहीं नहीं मैडम जी, आप ऐसा प्लीज़ मत कीजिएगा जी, बहुत जल्द उसे लेकर दे दूंगा मैं। देखिए मुझे नहीं पता आपकी क्या मजबूरी है लेकिन हमारी भी कुछ मजबूरी है, हमें दूसरे बच्चों को भी देखना होता है जी।
जी सर, जी मैंने इसी लिए किया था सर आपको। जी जी सर, वो बात यह है सर, दरअसल अगर ज़रूरी ना होता तो मैं कभी भी आपको कॉल ना करता एडवांस के लिए। मेरी बेटी के मेडिकल कॉलेज के दाखिले का मामला है सर। सर कुछ ना कुछ तो देखे ना, बड़ा मैं प्रॉब्लम में हूँ सर, मेरा और कोई मामला नहीं है कि। यानी कुछ भी नहीं हो सकता सर। ठीक है सर, मैं कोई बंदोबस्त कर लेता हूँ सर। अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत है जी? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी रही आज की पढ़ाई? वो तो रोज होती है, पर आज रिहर्सल का बहुत मजा आया। अच्छा जी, वो कैसे? टीचर तो कहती है कि बंटी तो बना बनाया इंस्पेक्टर है। अच्छा मुझे ये बता, और ड्रामे में कोई थप्पड़ से नहीं प्यार से डरने वाली भी मिली कि नहीं? और तेरे मस्त मस्त दो नैन। भैया आप क्या कर रहे हो, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। तेरे मस्त मस्त दो नैन, मेरे दिल का ले गए चैन। वेरी गुड यार, इस वक्त बहुत जरूरत थी इसकी। ये शॉपर में क्या है? मोटरसाइकिल बिकने की खुशी में मिठाई खरीदने वाले ने तो खिलाई नहीं होगी। ये तो मुझे हौसला दे रही है ताना। शॉपर खोले, खुद ही पता चल जाएगा। ये मत करो प्लीज। ये नई मोटरसाइकिल के लिए नहीं है। क्या मतलब? आपकी खटारा मोटरसाइकिल की रकम से तो आलिया की फीस की रकम पूरी होगी नहीं, और अगर कहीं से पैसों का इंतजाम हो भी सकता तो आप कम से कम अपनी मोटरसाइकिल ना बेचते। आखिर वो आपकी गुजरी हुई जवानी की निशानी जो थी। ऐसी कोई बात नहीं, जवानी अभी गुजरी ही नहीं, ना मेरी ना तुम्हारी। इसलिए मैं कहता हूँ कि रख लो, इसकी तुम्हें अभी जरूरत पड़ेगी। मेरी औलाद मेरा जेवर है, अगर हम अपनी मलका को जेवर नहीं बना सके तो तालीम का जेवर तो दे ही सकते हैं ना। आखिर इस मलका के खादिम सिर्फ आप नहीं, ये कनीज भी तो है। दिल नहीं मान रहा यार। ये अचानक दिल को बेटी से ज़्यादा जेवर कैसे अजीज हो गया? कल इसकी लास्ट डेट है और हमारे पास कोई रास्ता नहीं। ये चाय पीजिए और कल इसका बंदोबस्त कीजिए। हाँ मैं आ रहा हूँ, बस घर ही आ रहा हूँ। कंगन बेच रहा था, पैसे मिल गए मुझे। हेलो, बेटा मेरे पैसे छीन के भाग गया दो लड़के, यही तरह इसी तरफ आ रहे थे, इधर गए। लेकिन अगर खराबी की वजह से दूसरे बच्चों की परफॉर्मेंस मुतासिर हुई तो मुझे उसे कट करना होगा।